नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के चैप्टर 12 पर। मित्रों, इस चैप्टर को हमने जो है हमारे पूर्व वाले वीडियो में जो है इसको स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि इस चैप्टर को अध्ययन की दृष्टि से हमने जो है 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, जिसके अंतर्गत हमने हमारे पूर्व वाले वीडियो में पार्ट ए के अंतर्गत सेक्शन 157 से लेकर सेक्शन 164 तक की सेक्शंस का अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वहां पर उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है चैप्टर 12 के बी पार्ट को अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सेक्शन 165, सेक्शन 166 और सेक्शन 170 से लेकर सेक्शन 170D तक की धाराओं का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, चैप्टर 12 के बी पार्ट के अंतर्गत हम जो है यहां पर कुल 7 धाराओं का 7 सेक्शंस का अध्ययन कर रहे हैं, और इन 7 धाराओं में से जो मुख्य धारा है, मेन सेक्शन है, वो है सेक्शन 165, और इसके बाद जो बाकी सेक्शन है सेक्शन 166, सेक्शन 170 से लेकर सेक्शन 170D तक की जो सेक्शंस हैं, ये सारी की सारी सेक्शन जो है बेसिकली सेक्शन 165 की ही कनेक्टिंग सेक्शंस है। क्योंकि जब हम सेक्शन 165 के प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो उन प्रोविजंस की कनेक्टिंग लिंक जो है इन सेक्शंस में है, और उन लिंक के साथ जो है हम इन सेक्शंस का भी एक साथ अध्ययन करेंगे। अब यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि सेक्शन 165 जो है यह टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन से प्रीलिम्स एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसी के साथ साथ जो है मुख्य परीक्षा में भी जो है इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें सेक्शन 165 को बहुत ही डिटेल में अध्ययन करना है, बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है। तो देखते हैं क्या कहती है सेक्शन 165। सेक्शन 165 प्रावधान करती है अंतरण के अधिकार के संबंध में, राइट्स ऑफ ट्रांसफर के संबंध में। इस सेक्शन में मित्रों क्या बताया गया है, इस सेक्शन में बताया गया है कि जो भूमि स्वामी है, जो भू स्वामी है, उसे अपनी उस भूमि का जो कि वह धारण करता है उसके हितों को अंतरण करने का उसको अधिकार है, लेकिन वो जो अधिकार उसको दिया गया है वह कुछ लिमिटेशंस के साथ, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, कुछ बाउंडेशंस के साथ जो है उसको अधिकार दिए गए हैं। अब इस सेक्शन में जो है कुल 22 सबसेक्शंस हैं, टोटल 22 सबसेक्शंस हैं। प्रारंभ में जब ये सेक्शन, जब हमारा एमपीएलआरसी बना था, तब इस सेक्शन 165 में कुल 11 उपधाराएं थी, 11 सबसेक्शंस थी, और फिर उसके बाद विभिन्न संशोधनों के द्वारा, अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है इसमें कई सारे अमेंडमेंट कर ए बी सी डी करके जो है कई सारी और सबसेक्शन जोड़ी गई हैं, और वर्तमान में सेक्शन 165 में अगर हम टोटल उसकी सबसेक्शंस को करें तो 22 सबसेक्शंस हैं, 22 उपधाराएं हैं, जिनका हमें जो है बारीकी से अध्ययन करना है। अब इस सेक्शन को आपको कैसे अध्ययन करना है, यहां पर आप समझिएगा कि इस सेक्शन की जो उपधारा एक है, सबसेक्शन 1 है, यह मेन अधिकार प्रदान करती है, मेन राइट जो है भूमि स्वामी को देती है कि भूमि स्वामी जो है अपनी भूमि को, जिसको वो धारण करता है, उसके हित को, वो जो है किसी भी प्रकार का हित हो उसको जो है अंतरित करने का अधिकार रखता है, जिस तरह से चाहे वो अंतरित कर दे। अगर वो पट्टे पर देना चाहता है तो पट्टे पर दे सकता है, अगर वह बंधक रखना चाहता है तो बंधक रख सकता है, अगर वह विक्रय करना चाहता है तो विक्रय कर सकता है। मतलब कि उसको संपूर्ण अधिकार है कि वह अपने अश्व भूमि के हित को अंतरित कर दे। लेकिन जब हम इसके उपधारा 2 से लेकर जो उपधारा 11 तक के जो प्रोविजंस हम देखें, वहां पर इस अधिकार पर कुछ निर्बंधन, कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिन शर्तों का पालन जो है प्रत्येक भूमि स्वामी को करना अनिवार्य है। अब इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने कई सारे डिसीजंस में इस बात को बिल्कुल जो है सैद्धांतिक कर दिया है कि धारा 165 के उल्लंघन में, सेक्शन 165 के वायलेशन में अगर कोई अंतरण किया जाता है तो वह अंतरण मान्य नहीं है, वह अंतरण जो है वैध अंतरण नहीं है। तो यहां पर जो है हम आपको इस सेक्शन को कैसे अध्ययन करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन
सबसेक्शन वन को देखें। सबसेक्शन वन जो है बेसिकली अधिकार प्रदान करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस सेक्शन में सबसेक्शन वन जो है अधिकार देती है, और उसके बाद की जो सबसेक्शन हैं वह उस अधिकार के ऊपर कुछ निर्बंधन, कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें लगाती है जिनका प्रत्येक भूमि स्वामी को पालन करना होता है। तो सबसेक्शन वन में क्या बताया गया, सबसेक्शन वन में बताया गया है इस धारा के अन्य उपबंधों के तथा धारा 168 के पट्टे के उपबंधों के अधीन रहते हुए भूमि स्वामी अपनी भूमि में का कोई भी हित अंतरित कर सकेगा। मतलब कि जो भूमि स्वामी है वह अपनी भूमि के किसी भी जो उसके पास है उसको अंतरित करने का वह अधिकार रखता है, लेकिन वह अधिकार जो है इस सेक्शन के जो आगे के सब सेक्शन है जो इसके अन्य प्रावधान है उपबंध है उसके अधीन रहते हुए करेगा। और इसी के साथ साथ जो पट्टे के उपबंध सेक्शन 168 में दिए गए हैं उसके अधीन रहते हुए ही जो है अंतरण कर पाएगा। तो यहां पर मुख्य सिद्धांत जो है यह दिया गया है कि भूमि स्वामी अपनी भूमि को अंतरित करने का उसको अधिकार है, लेकिन शर्तों का पालन करना है। अब वो शर्तें या वो कंडीशन क्या है उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम उपधारा दो और उपधारा तीन को देखेंगे जिसके अंतर्गत कृषि भूमि को बंधक रखने के संबंध में कुछ निर्बंधन लगाए गए। मतलब कि अगर कोई भूमि स्वामी अपनी कृषि भूमि को बंधक रखना चाहता है, उसका भाई बंधक रखना एक हित है, तो ऐसा जब वो बंधक रखना चाहता है तो बंधक रखने के क्या क्या सिद्धांतों का पालन उसे करना होगा, किन किन बातों का ध्यान उसे रखना होगा, यह उपधारा दो और उपधारा तीन के अंतर्गत बताया गया है। अब उपधारा दो में क्या बताया गया, अच्छा मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा, यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रलम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं उपधारा दो में क्या बताया गया। उपधारा दो में जो है कुल एबीसी करके तीन पॉइंट है, तीन बाउंडेशन लगी है कृषि भूमि को बंधक रखने के संबंध में। तो उपधारा एक क्या कहती है, उपधारा एक कहती है भूमि स्वामी द्वारा किसी भूमि का कोई भी बंधक इसके पश्चात तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि कम से कम 5 एकड़ सिंचित भूमि या 10 एकड़ असिंचित भूमि किसी भी विलंगम या भार से मुक्त रूप में उसके पास ना रह जाए। मतलब कि कोई भी भूमि स्वामी अगर अपनी भूमि को बंधक रखना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में वह तभी बंधक रख सकता है जब उसके पास अगर असिंचित भूमि है तो असिंचित भूमि की दशा में 10 एकड़ उसके पास शेष ना बच जाए, और अगर सिंचित भूमि है तो 5 एकड़ सिंचित भूमि उसके पास शेष ना बच जाए, तब तक वो है जब अपनी भूमि को बंधक नहीं रख पाएगा। तो पहला सिद्धांत, ऐसे भूमि स्वामी के पास रिमेनिंग भूमि अगर सिंचित है तो 5 एकड़, असिंचित है तो 10 एकड़ उसके पास शेष रहनी चाहिए, उसके बाद जो रिमेनिंग उसके पास भूमि है उसको वह बंधक रख सकता है। तो यह पहला निर्बंधन है। अब दूसरा निर्बंधन क्या लगाया हुआ है, भोग बंधक के संबंध में। देखिए भोग बंधक क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को इस शर्त के साथ बंधक रखता है कि उस संपत्ति का वह व्यक्ति उपयोग तब तक कर ले जब तक कि जो बंधक धन है, बंधक धन मतलब जो मूलधन दिया गया है और उस पर ब्याज, जो बंधक धन है उसका जो है कंप्लीटली वह वसूल ना हो जाए। तो इस प्रकार के बंधक जब रखे जाते हैं तो उसको भोग बंधक कहा जाता है। वैसे बेसिकली आपको बताएं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बंधक के बारे में प्रावधान दिए गए, कुल 6 प्रकार के बंधकों का उल्लेख किया गया है, वहां पर भोग बंधक के बारे में भी उपबंध है, तो आप उसको भी देखिएगा, लेकिन बेसिकली मोटा मोटा मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो भोग बंधक के बारे में क्या प्रावधान किए गए कि भोग बंधक 6 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए विधिमान्य नहीं होगा। मतलब कि अगर किसी भूमि स्वामी को अपनी भूमि को भोग बंधक रखना है तो ऐसी दशा में वो भोग बंधक 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकेगा। अब देखिए यहां पर प्रिलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोग बंधक जो है अधिकतम कितनी अवधि के लिए रखा जाता है कृषि भूमि की दशा में। जो है नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उस पर यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, केवल किस पर एप्लीकेबल होंगे, जो कि कृषि भूमि है। तो कृषि भूमि की दशा में भोग बंधक जो है 6 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए विधिमान्य नहीं होता है। मतलब कि 6 वर्ष तक की कालावधि के लिए विधिमान्य है। तो यहां पर यह प्रोविजन क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो सी पॉइंट है, जो तीसरा इस सब सेक्शन के अंतर्गत जो तीसरे मेन निर्बंधन लगा हुआ है, वो क्या लगा हुआ है बंधक के संबंध में, बंधकदार बंधक की कालावधि या 6 वर्ष इसमें से
जिसका भी अवसान पहले हो, अवसान हो जाने के पश्चात भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है तो बंधकदार तहसीलदार के आदेश द्वारा अतिचारी के तौर पर बेदखल किए जाने का दायी होगा। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास भूमि बंधक रखी गई है, अगर वह सामान्य नेचर का बंधक है जिसमें वो बंधक नहीं है, तो जितना भी उस कंडीशन में, जितना भी उस उन दोनों के बीच में जो शर्त निर्धारित की गई कि भाई इतने समय के लिए बंधक रखा गया, तो उतनी कालावधि के बाद अगर वो कब्जा नहीं देता है, या फिर अगर भोग बंधक है तो 6 वर्ष की कालावधि के बाद जो है कब्जा वापस नहीं दे रहा है जो मेन भूमि स्वामी है उसको, तो ऐसी कंडीशन में तहसीलदार साहब को यह पावर दिया गया है कि तहसीलदार साहब जो है ऐसी भूमि असली जिसकी भूमि है उसको जो है वापस कब्जा दिलाएगा, और ऐसा व्यक्ति जो कि अवैधानिक कब्जे में है उसको जो हटा सकेगा, उसको हटाकर भूमि को वापस दिलवा सकेगा। जी खंड है उसमें ये सारे प्रावधान है। तो यहां पर आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो उपधारा 3 है यह भी बंधक के संबंध में ही प्रावधान करती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझिएगा क्या कहता है उपधारा 3। उपधारा 3 कहती है जहां भूमि स्वामी उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसरण में अपनी भूमि का कोई ऐसा बंधक करता है जो भोग बंधक से भिन्न है, मतलब कि उपधारा 3 जो है भोग बंधक के लिए नहीं है, मतलब इससे अन्य कोई बंधक है, मतलब भोग बंधक नहीं है कोई अन्य बंधक है, वहां बंधक विलेख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी। अब यहां पर बात समझिएगा, किसानों के हितों की रक्षा की गई है। हमने देखा है कि कालांतर में जो साहूकार होते थे जो बंधक रख लेते थे भूमि को, तो वह इस प्रकार से अपना चक्र चलाते थे कि उस किसान की पूरी जिंदगी निकल जाती थी, वह उसका जो है मूलधन और ब्याज पट ही नहीं पाता था, और ऐसी कंडीशन में किसानों का शोषण होता था। तो यहां पर इसी बात को संरक्षित किया गया कि जो व्यक्ति, जो साहूकार भूमि को बंधक रख रहा है, वह ब्याज के रूप में उस मूलधन से की जो मूलधन से आधी राशि जो होती है उससे अधिक ब्याज के रूप में नहीं वसूल सकेगा। उदाहरण के रूप में समझे कि अगर किसी किसान ने अपनी भूमि को बंधक रखकर 1 लाख रुपए का ब्याज जो है कर्जा लिया है, या 1 लाख रुपए में उस भूमि को बंधक रखा है, तो ब्याज के रूप में वह केवल जो भूमि को बंधक रखे हुए वह 50,000 रुपए तक ही अधिकतम ब्याज के रूप में वसूल सकेगा। उसके बाद जो है उसको ब्याज के रूप में कोई धनराशि वसूलने का अधिकार नहीं होगा। तो उपधारा 3 में जो है यही सारे प्रावधान है जो कि बंधक के संबंध में। तो यहां पर हमने देखा उपधारा 2 उपधारा 3 में बंधक के संबंध में प्रावधान थे धारा 165 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे उपधारा 4। इसी के साथ साथ उपधारा 4 के साथ साथ हम देखेंगे सेक्शन 166 और उपधारा 5, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा भी यहां पर चर्चा करेंगे सेक्शन 170 के सब सेक्शन 2 के संबंध में। तो क्योंकि ये जो कनेक्टिंग सेक्शन है, बेसिकली देखें किस उपधारा 4 और जो सेक्शन 166 है यह आपस में कनेक्टेड है, एक साथ देखेंगे, और फिर जब हम उपधारा 5 देखेंगे तो धारा 70 की उपधारा 2 जो है कनेक्टिंग सेक्शन है। तो उपधारा 4 में क्या प्रावधान दिए गए, उपधारा 4 में ऐसी स्थिति के बारे में प्रावधान किया गया है, बात समझिएगा, जहां पर कि राज्य सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में यह निर्धारित कर दिया है कि वह अधिकतम इतनी भूमि, मतलब जो भी राज्य सरकार ने निर्धारित कर दिया हो कि भाई 50 एकड़ रख सकेगा, 100 एकड़ रख सकेगा, जो भी निर्धारण सरकार ने कर दिया है, अब उस व्यक्ति को जिसके पास ऑलरेडी उतनी निर्धारित भूमि है उसको और अत्यधिक भूमि को खरीदने से या उसका उसके पास हित रखने से रोका गया है। कारण यहां पर है कि देखिए, अगर हमने कालांतर में, हमने अपने इतिहासों में बहुत सुना है कि जो साहूकार या बड़े बड़े जमींदार होते थे वही उस भूमि के मालिक होते थे, और बाकी जो किसान, जो वास्तविक किसान था, वह मजदूर था उस खेत, उस कृषि भूमि के ऊपर। तो वह स्थितियां फिर से निर्मित ना हो जाएं, उसके लिए यहां पर ये निर्बंधन लगाए गए हैं कि अगर राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति के संबंध में कोई निश्चित जो है भूमि का उल्लेख कर दिया है, या कोई निश्चित सीमा बांध दी है कि कोई व्यक्ति इतनी भूमि से अधिक भूमि नहीं खरीदेगा या वह उतनी भूमि से ज्यादा का हकदार नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भूमि स्वामी अपनी भूमि को किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित करता है, तो पहली बात तो यह सेक्शन निर्बंधन लगा देती है
कि कोई भी भूमि स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति को भूमि अंतरित नहीं करेगा जो कि राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम सीमा तक की भूमि जो वो धारण करता है उसको जो उसको अंतरित नहीं की जाएगी। तो इस सेक्शन में जो है यही सारे प्रावधान है, देखते हैं क्या है। अच्छा, अब यहां पर आपको ये भी बता दें कि हमने जो है यहां पर जो बोर्ड पर लिख रखा है यह हमने उस सेक्शन को संक्षिप्त में लिखा है जिससे कि आपको मेन बातें बता पाए। अगर हम पूरी डिटेल सेक्शन लिखेंगे तो यहां पर जगह ही नहीं बचेगी, है ना। तो हमने यहां पर जो है संक्षिप्त में रखा, तो आप बेयर एक्ट को साथ साथ पढ़िएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर क्या बताया गया, यहां पर देखें आप, उपधारा एक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, मतलब जो सबसेक्शन वन में जो अधिकार दिया गया है कि भूमि स्वामी जो है अपने हित को अंतरित कर सकता है किसी प्रकार से, तो उसी के संबंध में बताया गया है उपधारा एक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी भूमि स्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कोई भी भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करे जो कुल मिलाकर ऐसी अधिकतम सीमाओं से जो विहित की जाए अधिक हो, मतलब कि उस सीमा से अधिक की भूमि को उसको अंतरित नहीं करेगा जो कि विहित की जाए, जो कि राज्य सरकार ने डिसाइड कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जाएगी। लेकिन यहां पर इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, लेकिन परंतु के अंतर्गत कि सार्वजनिक धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों की जो संस्थान है उनको अंतरित किया जा सकता है, वहां पर ऐसा निर्बंधन नहीं लगा गया है। और इसी के साथ साथ जो कृषि भिन्न प्रयोजनों की भूमिया है या कोई व्यक्ति कृषि भिन्न प्रयोजनों की भूमि को लेता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर भी यह प्रावधान लागू नहीं होगा, मतलब कि कृषि भिन्न भूमि जो है वह किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित की जा सकती है जिसके संबंध में कृषि भूमि के लिए निर्बंधन लगा हुआ है। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई। अब यहां पर हमने ये देखा कि इस सेक्शन में निर्बंधन लगा रखा है कि भाई कोई व्यक्ति अधिकतम भूमि क्रय नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि सेक्शन 165 के सबसेक्शन 4 का किसी व्यक्ति ने वायलेशन कर इसके प्रावधानों के उल्लंघन में अगर भूमि को अंतरित कर दिया किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि वो अधिकतम सीमा तक भूमि ऑलरेडी रखता था, अब उसके पास एक्सेस भूमि हो गई है, ऐसे व्यक्ति को अंतरित कर देता है, तो उसका उपचार जो है सेक्शन 166 में प्रोवाइडेड है कि वहां पर जो है उस व्यक्ति को जिसको अंतरित की गई है भूमि उससे यह कहा जाएगा कि भाई आप जो है उतनी भूमि को जिसका की रखने का आपको अधिकार है उस सीमा तक की भूमि को आप अपने पास रख लीजिए और उस भूमि का चयन कीजिए जिस भूमि को आप नहीं रखना चाहते या जो एक्सेस है जिसके संबंध में एसडीओ साहब ये अधिकार रखते हैं कि एसडीओ साहब उसको बोलेंगे कि भाई आप चयन कर लो कि आप कौन सी भूमि जो है सरकार को जो है राजसात करने के लिए दोगे क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा भूमि हो गई है। तो इस सेक्शन में यही बताया गया है कि कतिपय अंतरण के मामले में समपहरण, मतलब उस भूमि को राज्य सरकार क्या करेगी, संप्रत कर लेगी अपने पास जो कि एक्सेस भूमि है, लेकिन उस व्यक्ति को चुनने का अधिकार होगा कि वो चुन के बता दे कि इस भूमि को राज्य सरकार जो है क्या कर ले, संप्रत कर ले। लेकिन अगर वह व्यक्ति ऐसा चयन नहीं करता है तो इस सेक्शन में सब डिविजनल ऑफिसर उपखंड अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह फिर खुद चयन कर लेगा और उस चयन करने के बाद उस भूमि को संप्रहत कर लेगा राज्य सरकार के पक्ष में। तो सेक्शन 166 में जो है यही सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम चलते हैं उपधारा 5 के संबंध में। देखिए ये जो सेक्शन जो सब सेक्शन 4 के साथ आपको सेक्शन 166 का एक साथ ही अध्ययन करना है जिससे कि आपको जो है टोटल प्रोविजंस का जो है आपको समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं उपधारा 5। उपधारा 5 में क्या प्रावधान दिए गए। उपधारा 5 में बताया गया है न्यायालय की किसी डिग्री या आदेश के निष्पादन में अगर न्यायालय ने कोई आदेश या डिग्री पारित की है उसके प्रवर्तन में या उस आदेश के निष्पादन में कोई भूमि स्वामी जो है अपनी भूमि को अंतरित करता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ऑलरेडी इतनी भूमि रखता था जितना कि उसको निर्धारण था। अब यहां पर समझिएगा कि मैंने आपको बताया कि उपधारा 4 और 166 और इसके बाद उपधारा 5 ये लगभग देखा जाए तो आपस में कनेक्टेड ही सेक्शन है। यहां पर भी यही बताया गया है कि कोई भूमि स्वामी जो है इस जो है किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में अपनी भूमि को किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा या नहीं की जा सकती
जिस व्यक्ति के पास ऑलरेडी निर्धारित सीमा में भूमि है। तो यहां पर हम देखते हैं क्या कहा गया है, भूमि स्वामी की कोई भी भूमि किसी न्यायालय की किसी डिग्री या आदेश के निष्पादन में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी जो ऐसे विक्रय के फलस्वरूप उतनी भूमि का हकदार हो जाएगा जो कुल मिलाकर ऐसे अधिकतम सीमाओं से जो कि वेद की जाए अधिक हो जाए, मतलब कि अधिक हो जाए, इस प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित नहीं कर पाएगा चाहे डिग्री के निष्पादन में या न्यायालय के आदेश के निष्पादन में ही क्यों ना अंतरित किया जा रहा हो। लेकिन यहां पर एक परंतु ये दिया गया है कि जो सहकारी सोसाइटीज हैं उनको, उनकी अगर भूमियां हैं तो उनको अंतरित किया जा सकता है, सहकारी सोसाइटी अंतरित कर सकती है। अगर सेक्शन 154A के प्रावधानों को अगर निशेष कर दिया है तो उसके बाद जो है इस सेक्शन का प्रभाव नहीं होगा और वहां पर जो है अंतरित कर सकेंगे। तो यहां पर जो है यही प्रावधान दिए गए कि भाई न्यायालय की किसी डिग्री आदेश के प्रवर्तन में कोई भूमि स्वामी अगर अपनी भूमि को अंतरित करता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा जो ऑलरेडी निर्धारित सीमा में भूमि धारण करता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा अंतरण कर दिया तो इसका उत्तर जो है सेक्शन 170 की सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है कि वहां पर जो है ऐसा भूमि स्वामी को या उसके किसी जो भी उसके वारिस हैं या उसके उत्तरजीवी हैं उनको यह अधिकार होगा कि वह आवेदन दायर कर उस भूमि को वापस ले सकेंगे। तो अभी हम जब सेक्शन 165 के सब सेक्शन 6 का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको सेक्शन 170 के सब सेक्शन 1 और 2 को भी जो है बारीकी से अभी हम उस पर चर्चा करते हैं। तो यहां पर हमने ये सारी सेक्शंस देखी, अब हम देखते हैं आगे की सेक्शन 165 के सब सेक्शन 6 के अंतर्गत सब सेक्शन 6A और जो भी सेक्शंस हैं उनको। मित्रों सेक्शन 165 के अंतर्गत अब हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर रहे हैं जो कि आदिम जनजाति के सदस्यों की भूमियों को संरक्षित करने के लिए, उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रावधान है आदिम जनजाति संबंधित, यह प्रावधान जो है MPCJ के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसी के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रावधान है, जिसके अंतर्गत जो मेनली हम सेक्शन देखेंगे सेक्शन 165 का सब सेक्शन 6 से लेकर सब सेक्शन 6EE तक और इसी के साथ साथ सेक्शन 170A से लेकर 170D तक के प्रोविजन जो है मुख्य रूप से आदिम जनजाति के सदस्यों की भूमियों को संरक्षित करने के लिए, उनको जो है नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ आगे भी कुछ प्रोविजन है जैसे कि हम देखेंगे उपधारा 7 देखेंगे 8 देखेंगे, वहां पर भी जो है कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो कि आदिम जनजाति के सदस्यों की भूमियों को संरक्षित करते हैं। तो यहां पर हम देखें सबसे पहले उपधारा 6 देखें, सब सेक्शन 6 देखें, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा कि सब सेक्शन 6 के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 पैराग्राफ हैं, जिसमें पैराग्राफ ए जो है मुख्य जो पहला पैराग्राफ है वो प्रावधान करता है किसी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत। अब अनुसूचित क्षेत्र कौन से हैं बात समझिएगा, अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो कि भारत के संविधान के 5वें शेड्यूल जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो पैराग्राफ 6 के अंतर्गत जो है अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किए गए हैं जो है आदिम जनजाति के सदस्यों के लिए, उन क्षेत्रों के संबंध में यहां बताया गया है कि अगर उन क्षेत्रों में कोई कृषि भूमि है तो वह कृषि भूमि जो है किसी आदिम जनजाति के जो वहां पर निवास करता है उसी को जो है अंतरित की जा सकेगी, अन्य किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं की जा सकेगी। तो पहला प्रावधान कृषि भूमि के संबंध में कि कृषि भूमि को केवल आदिम जनजाति के उसी क्षेत्र के सदस्य को अंतरित किया जा सकेगा, बाहर के किसी सदस्य को जो है वह भूमि अंतरित नहीं की जा सकेगी। अब इसके साथ साथ जो है यहां पर सब सेक्शन 6A को भी देखिएगा जो ये प्रावधान करता है कि अगर कोई कृषि भिन्न भूमि है, मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आदिम जनजाति के सदस्य की कोई कृषि भिन्न भूमि है तो उसको अंतरित किया जा सकता है, किसी को भी अंतरित किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति को जो कि उस आदिम जनजाति का सदस्य नहीं है किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में कलेक्टर साहब से अनुमति लेना जरूरी है। कलेक्टर साहब जो है पहले उस मामले को देखकर अनुमति देंगे तो अंतरित होगी, अनुमति नहीं देंगे तो जो है अंतरण नहीं होगा।
तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए कलेक्टर साहब की परमिशन लगेगी जहां पर कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत वह भूमि आती है और आदिम जनजाति के सदस्य की भूमि है। अब इसके बाद जब इस सेक्शन का जो दूसरा क्लॉज है, सेकंड क्लॉज है, वो प्रावधान करता है ऐसी भूमि के संबंध में जो कि अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में कोई भूमि है और वह भूमि किसी आदिम जनजाति के सदस्य की भूमि है। अब वो भूमि जो है कृषि भूमि हो सकती है या कृषि भिन्न प्रयोजनों की भूमि, किसी भी प्रकार की भूमि हो सकती है। तो उस भूमि को अगर अंतरण करना है, बात समझिएगा, उस भूमि को अंतरण करना है तो कलेक्टर की परमिशन से, कलेक्टर की अनुज्ञा से ही ऐसी भूमि का अंतरण किया जा सकता है। तो मेनली आपको प्रोविजन समझ में आया होगा, सबसेक्शन जो है आपका जो खंड का है उसमें इतना ही बताया गया है कि कृषि भूमि को अगर अंतरित करना है तो ऐसी अनुसूचित क्षेत्र जो कि आदिम जनजातियों के लिए अनुसूचित किया गया है, उसको जो है संरक्षित किया गया है, उस क्षेत्र में अगर कोई कृषि भूमि है और आदिम जनजाति के सदस्य की है तो वह किसी अन्य उसी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिम जनजाति के सदस्य को ही अंतरित की जा सकेगी। लेकिन अगर कृषि भिन्न भूमि है तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर की मंजूरी से, कलेक्टर की परमिशन से अंतरण किया जा सकता है। और वहीं पर अनुसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भूमि है जो कि आदिम जनजाति के सदस्य की भूमि है तो ऐसी कंडीशन में उस भूमि का अंतरण, चाहे वो कृषि की प्रयोजन की हो या कृषि भिन्न प्रयोजन की हो, उसको अंतरण जो है किसी अन्य व्यक्ति को कलेक्टर की परमिशन से किया जा सकता है। तो यहां पर सबसेक्शन 6 में जो है यही सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब मेन बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सबसेक्शन 6 के प्रावधान है यह पट्टे पर लागू नहीं होते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसी भूमि पट्टे पर दी जानी है तो वहां पर ये जो निर्बंधन लगे हुए हैं यह निर्बंधन वहां लागू नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं सबसेक्शन 6 का बी जो है, सबसेक्शन 6B। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया, बात को समझिएगा, जहां पर कि सबसेक्शन 6 के अंतर्गत कोई भूमि सबसेक्शन 6 के वायलेशन में अगर अंतरित कर दी जाती है तो यहां पर कलेक्टर साहब को परमिशन जो है पावर दिया गया है कि लिमिटेशन एक्ट में, परिसीमा अधिनियम में कोई भी प्रावधान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर परिसीमा अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कलेक्टर स्वप्रेरणा से किसी भी समय, इंपॉर्टेंट बात है, स्वप्रेरणा से किसी भी समय या ऐसे समव्यवहार से 3 वर्ष के भीतर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आवेदन करता है, जो भी विवादित पक्षकार है वो आवेदन करता है कि भाई उसकी भूमि जो है उपधारा 6 के उल्लंघन में अंतरित करा ली गई है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कलेक्टर साहब जो है उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो वो अंतरण किया गया है उसका अनुसमर्थन भी कर सकते हैं या फिर उस अनुसमर्थन के जो आवेदन है उसको इंकार किया जा सकता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आवेदन करना है, बात समझिएगा, अगर कलेक्टर साहब को स्वप्रेरणा से कार्रवाई करनी है तो कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां पर वो जो है कभी भी जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आवेदन आया है तो आवेदन जो है कब स्वीकार किया जाएगा, उस समव्यवहार से जो ट्रांजैक्शन हुआ है उससे 3 वर्ष के भीतर, 3 साल के भीतर जो है ऐसा आवेदन करना होगा, तभी जो है कलेक्टर साहब उस पर कार्रवाई करेंगे। तो यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा। अब जब सबसेक्शन 6B के अंतर्गत जब कलेक्टर साहब ऐसी जांच करते हैं तो उस जांच में वो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो उसके बारे में सबसेक्शन सी जो है, 6C जो है यह प्रावधान करती है वह मापदंड, जैसे कि वह भूमि किस क्षेत्र में है, वह किस प्रकृति की भूमि है, आदिम जनजाति के सदस्य की भूमि है, और भी ऐसी बातें जो कि सबसेक्शन 6C में जो प्रावधान दिए गए उनका ध्यान में रखते हुए जो है सबसेक्शन 6B के अंतर्गत जांच कंप्लीट की जाएगी। अब जब कलेक्टर साहब ने जांच कर ली और कलेक्टर साहब ने जांच में ये पाया कि जो अंतरण किया गया था वह वैध नहीं था, धारा 6 के वायलेशन में था, तो ऐसी कंडीशन में 6D जो है ये प्रावधान करता है कि कलेक्टर साहब जो है ऐसे व्यक्ति को कब्जा खाली करने के लिए, जो उस पर उस भूमि पर काबिज हो गया है उसको जो है कलेक्टर साहब जो है कब्जा खाली कराने के लिए निर्देश दे सकते हैं, उसको जो है कब्जा तुरंत छोड़ना होगा। और इसी के साथ साथ जो सेक्शन 6E है ये प्रावधान करती है, बात समझिएगा, कि यहां पर जो है कलेक्टर साहब क्या करेंगे, कब्जा खाली कर लिया गया या कलेक्ट या कब्जा खाली नहीं हुआ है तो बात समझना, तो वहां पर कलेक्टर साहब कब्जा खाली कराकर
उस भूमि स्वामी को जिस जो कि वास्तव में उस भूमि का स्वामी है उसको जो है उस भूमि को जो है काबिज कराया जाएगा। अगर वह व्यक्ति काबिज होने में असफल रहता है तो जब तक वह सक्षम नहीं हो जाता उस भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का, कब्जा ग्रहण करने का, तब तक उस भूमि को जो है कलेक्टर साहब अपने कंट्रोल में लेंगे, कलेक्टर साहब जो है उस भूमि को ग्रहण करेंगे। जब तक वह मुख्य व्यक्ति जो वास्तव में उस भूमि का जो है हकदार है वह अगर सक्षम हो जाता है तब तक कलेक्टर साहब उस भूमि को अपने पास रखेंगे, सक्षम हो जाएगा तो उसको अंतरित कर दी जाएगी। तो यहां पर जो है उपधारा 6E के अंतर्गत यही सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब जो अगली धारा है सबसेक्शन ई, मतलब सबसेक्शन 6EE जो है डबल ई जो है ये क्या प्रावधान करती है, ये कहती है उपधारा 6 के अधीन घोषित किसी आदम जनजाति के भूमि स्वामी से भिन्न किसी भूमि स्वामी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो आदम जनजाति का ना हो अंतरित की गई कृषि भूमि ऐसे अंतरण की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पूर्व व्यवर्तित नहीं की जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि कोई आदिम जनजाति का सदस्य जो है अपनी भूमि को अंतरित कर देता है किसी अन्य व्यक्ति को जो कि कलेक्टर की परमिशन से किया गया। अब वो जो अन्य व्यक्ति है उसने जब उस भूमि को लिया होगा, धारण किया होगा, तो जो कलेक्टर साहब ने जो निर्बंधन लगाए होंगे, जो उसका जो है उपयोग के लिए दिया होगा वो उसमें मेंशन होगा। लेकिन अब अगर वह व्यक्ति जिसको भूमि दी गई थी वह उस भूमि को किसी अन्य को अंतरित कर देता है तो वह तीसरा भूमि स्वामी जो है क्या करेगा, वह तीसरा भूमि स्वामी जो है जिस तारीख को वह ऐसी भूमि को प्राप्त करता है उसको 10 साल तक जो है डायवर्शन नहीं करा पाएगा, उसका व्यवर्धन नहीं होगा। तो यहां पर बात समझ में आई, कब तक व्यवर्धन नहीं होगा, जब अंतरण हुआ उसके 10 साल तक। देखिए उसने जो है कृषि प्रयोग के लिए लिया था या जो भी प्रयोग के लिए आदम जनजाति के सदस्य की भूमि ट्रांसफर की गई थी, अब वो थर्ड ट्रांसफर किया गया तो ऐसा ना हो वहां पर कोई जो है कपट वगैरह हो, कोई फाउल प्ले हो, तो ऐसी कंडीशन में यहां प्रॉपरली जो है निर्बंधन लगा दिया गया कि भैया 10 साल तक डायवर्सन अलाउ नहीं होगा ऐसी भूमि का। तो यहां पर जो है ईई में यही सारे प्रावधान है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 170 जो प्रावधान करती है धारा 165 के उल्लंघन में किए गए अंतरण पर परिवर्तन के संबंध में, अवॉइडेंस के संबंध में। अब इस सेक्शन में क्या प्रावधान किए गए, इस सेक्शन में बताया गया है। अब इस सेक्शन में दो सबसेक्शन है, टू सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि धारा 165 के उपधारा 6 के अंतर उल्लंघन में अगर कोई अंतरण करा लिया गया है तो ऐसी कंडीशन में जो वास्तव में भूमि स्वामी है उसका अगर कोई निकटतम वारिस नहीं है, अगर निकटतम वारिस होगा तो कलेक्टर साहब उस निकटतम वारिस को ही भूमि जो है वापस दिलवाएंगे या फिर उसी भूमि स्वामी को दिलवाएंगे, अगर भूमि स्वामी नहीं बचा तो उसके वारिस को दिलाएंगे। लेकिन अगर कोई वारिस भी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उसके जो उत्तरजीवी कोई शेष रह जाते हैं वह उत्तरजीवी SDO साहब को आवेदन कर सकते हैं उस भूमि को कब्जा लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन यह आवेदन जो है कब करना होगा, अगर ऐसा अंतरण 1 जुलाई 1976 के पहले किया गया है तो आवेदन जो है 31 दिसंबर 1978 तक करना होगा। लेकिन अगर जो अंतरण है वो 1 जुलाई 1976 के बाद किया गया है तो अंतरण की तारीख से 12 वर्ष के भीतर जो है आवेदन करना होगा। और जब आवेदन किया जाएगा तो SDO साहब जो है वह भूमि को ऐसे उत्तरजीवी को अंतरित कर देंगे, लेकिन वह रेवेन्यू वगैरह जो भी ड्यूज हैं वह चुकाने होंगे। तो यहां पर ये सारे प्रावधान है। अब इसके बाद जब धारा 170 का जो उपखंड 2 है, सबसेक्शन 2 है, इसको हम देखें तो ये सेक्शन 165 के सब क्लॉज 5 के संबंध में। देखिए अभी हमने देखा था सेक्शन 165 के सब क्लॉज 5 में जहां पर कि कोई भूमि स्वामी जो है अपनी भूमि को जो है किसी डिक्री या आदेश के प्रवर्तन में विक्रय कर देता है और उसके संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय कर देता है जो कि उस निर्धारित सीमा से अधिक या उस निर्धारित सीमा तक भूमि धारण करता था, अंतरण करने के बाद उसके पास अत्यधिक भूमि हो गई, तो यहां पर उस भूमि को वापस करने के संबंध में प्रावधान थे, वो हमने जो है पीछे अभी देखे थे। तो यहां पर आप इसको देखिएगा। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है सेक्शन 170A, यह प्रावधान करती है अंतरों को अपास्त किए जाने के बारे में, जहां की धारा 165 की उपधारा 6 के
उल्लंघन में अंतरण जो हो जा हो जो सद्भाविक ना हो, मतलब बात समझना। अब देखिए सेक्शन 170A 170B 170C और 170D जो एक ही ग्रुप है। अब यहां पर 170A में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ने अंतरण करा लिया है जो कि धारा 165 की उपधारा 6 के अंतर्गत कराया गया है, लेकिन वह सद्भाविक नहीं था, वह उपधारा 6 का उल्लंघन करते हुए कराया गया है, तो यहां पर SDO साहब जो है ऐसे अंतरण को अपास्त कर देंगे, ऐसे अंतरण को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। अब तो यहां पर ये प्रावधान है। अब इसके बाद देखिए हमने यहां पर मेन बात यहां पर रखी हुई है जो कि एग्जाम में पूछी जाए, बाकी जो और प्रोविजंस इसमें हैं वह एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए हम यहां पर डिटेल नहीं कर रहे हैं, केवल आपको मेन बात बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन निकल के आता है। मित्रों सेक्शन 170B के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है जहां पर कि कोई अंतरण जो है किसी आदम जनजाति की भूमि का अंतरण जो है कपट द्वारा करा लिया जाता है तो उसका उपचार क्या है। तो सेक्शन 170B जो है ये प्रावधान करती है कि SDO साहब जो है इसकी जांच कर सकते हैं, और अगर वह पाते हैं कि कोई अंतरण कपट द्वारा कराया गया है तो ऐसे अंतरण को अपास्त घोषित कर सकते हैं, सेट असाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहां पर जो है SDO की पावर है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 170C जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कहती है कि अनुज्ञा के बिना धारा 170A 170B के अधीन की गई कार्यवाही में अधिवक्ता का उपसंजात ना होना। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि जो प्रोसीडिंग सेक्शन 170A और 170B के अंतर्गत की जा रही है, इन प्रोसीडिंग्स में एडवोकेट अधिवक्ता जो है प्रायर परमिशन, पहले उस प्राधिकारी की जो ऐसे प्रोसीडिंग सुन रहा है उसकी प्रायर परमिशन के बाद ही जो है ऐसे मामलों में अपियर हो सकेगा, अगर परमिशन नहीं दी जाएगी तो अपियरेंस नहीं होगी। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम देखें जो सेक्शन 170D है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है। सेक्शन 170D में प्रावधान किए गए हैं कि जहां पर की कोई कार्रवाई धारा 170A धारा 170B के अंतर्गत की गई है और उस कार्यवाही में कोई आदेश वगैरह दिए गए हैं तो उन आदेशों की सेकंड अपील अलाउ नहीं है, मतलब कि सेकंड अपील नहीं हो सकेगी। तो यहां पर जो है ये सारे प्रावधान हैं। तो हमने देखा आदिम जनजाति के सदस्यों की भूमियों के संबंध में जो निर्बंधन लगाए गए हैं उनके अंतरणों के संबंध में, वो सारे प्रावधान हमने यहां पर देखे। अब जो आगे की सेक्शन है उनमें भी कुछ प्रावधान है, जैसे कि जब हम देखेंगे सबसेक्शन 7A वगैरह, तो उनमें भी जो है कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आदिम जनजाति के सदस्यों की भूमि से संबंधित है, तो चलिए उनको हम देखते हैं। मित्रों सेक्शन 165 के सबसेक्शन 7 से लेकर सबसेक्शन 11 तक कुछ ऐसे निर्बंधनों का उल्लेख किया गया है जो कि सेक्शन 165 के सबसेक्शन 1 में जो अधिकार दिया गया है कि भूमि स्वामी जो है अपनी भूमि के हित का अंतरण जो है कर सकता है, तो उस पर कुछ निर्बंधन जो है यहां पर भी दिए गए हैं सबसेक्शन 7 से लेकर सबसेक्शन 11 तक। अब यहां पर ये जो प्रोविजंस हैं यह हम जो है यहां पर संक्षिप्त में देखेंगे। यह प्रोविजंस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लगभग जो है सारे प्रोविजंस कवर हो जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसेक्शन 7 जो प्रावधान करता है उपधारा 1 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी भूमि स्वामी के खाते में समाविष्ट भूमि का क्षेत्रफल या उस भूमि स्वामी के एक से अधिक खाते होने की दशा में उसके समस्त खातों का कुल क्षेत्रफल सिंचित भूमि के 5 एकड़ या असिंचित भूमि के 10 एकड़ से अधिक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सिंचित भूमि है तो 5 एकड़ से अधिक है और असिंचित भूमि है तो 10 एकड़ से अधिक है, तो यहां पर यह निर्बंधन लगाया गया है कि असिंचित भूमि की दशा में 10 एकड़ और सिंचित भूमि की दशा में 5 एकड़ की भूमि को छोड़कर उसकी जो भूमि है उसको जो है किसी डिग्री या आदेश के प्रवर्तन में न्यायालय क्रुक कर सकता है या उसका विक्रय करा सकता है। लेकिन अगर किसी किसान के पास जो है किसी भूमि स्वामी के पास जो है असिंचित भूमि की दशा में अगर 10 एकड़ से कम है और सिंचित भूमि की दशा में 5 एकड़ से कम है तो न्यायालय जो है डिग्री के या किसी आदेश के प्रवर्तन में ऐसी भूमि को कुरुक नहीं कर सकता है और ना ही
विक्रय कर सकता है। तो यहां पर यह प्रावधान है। अब इसके बाद जो सबसेक्शन 7 के बी खंड है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि जो सबसेक्शन 6 हमने देखा जिसमें आदिम जनजाति की भूमियों के संबंध में उल्लेख है, उसके संबंध में प्रावधान दिया गया है कि किसी ऐसे जनजाति के जिसे उपधारा 6 के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया हो, भूमि स्वामी के खाते में समाविष्ट कोई भूमि किसी आदेश या डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जाने या बेची जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी। तात्पर्य है कि आदिम जनजाति की जो भूमि है उस भूमि को जो है किसी डिक्री के या जो है न्यायालय के आदेश या डिक्री के निष्पादन में उसको जो है ना ही कुर्क किया जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। इसी के साथ साथ यहां पर यह भी उल्लेख किया गया है कि सीपीसी के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 51 है जिसके अंतर्गत रिसीवर की अपॉइंटमेंट की जाती है और इसी के साथ साथ जो प्रांतीय दिवाला अधिनियम है जिसके अंतर्गत न्यायालय जो है कार्रवाई करता है, तो ऐसा कोई किसान जो कि जो उपरोक्त प्रावधान अभी हमने देखे ए और बी के अंतर्गत कि भाई 10 एकड़ जो है असिंचित भूमि और 5 एकड़ सिंचित भूमि के संबंध में या फिर किसी जनजाति के समूह की भूमि के संबंध में, तो उन भूमियों के लिए जो है यहां पर प्रावधान दिए गए हैं कि कोई रिसीवर अपॉइंट नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसे व्यक्ति पर दिवाला अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो यहां पर ये सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन यहां पर एक परंतु भी दिया गया है, परंतु में बताया गया है लेकिन अगर कोई बंधक द्वारा भार अर्जित किया जाता है तो उस पर जो है इस सबसेक्शन 7 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब इसके बाद जो है अगली सबसेक्शन है, इसमें सेक्शन सबसेक्शन 7A जो प्रावधान करती है भूदान यज्ञ अधिनियम। अब देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम 1968 के अंतर्गत जो है कई सारी भूमिया लोगों को जो है जो वास्तविक कृषक है उनको जो है दान दी थी। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर निर्बंधन लगाया गया है कि अगर ऐसी भूमि मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम के अंतर्गत अगर दी गई है तो वहां पर वो जो भूमि स्वामी है वह उस भूमि को कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना मतलब कलेक्टर की परमिशन के बगैर उसका विक्रय या अंतरण जो है परमिसेबल नहीं होगा। उसको अगर ऐसा करना है तो यहां पर उसको जो है कलेक्टर से परमिशन लेना जरूरी है। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन है सबसेक्शन 7 का 7B। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें तीन मुख्य चीजें बताई गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है राज्य सरकार से भूमि धारण करता है मतलब कि राज्य सरकार ने उसको जो है भूमि दी हुई है या फिर सेक्शन 158 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जिसे भूमि स्वामी मान लिया गया है या फिर राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को सरकारी पट्टेदार के रूप में भूमि दी थी, कलेक्टर ने उसको कोई सरकारी पट्टेदार के रूप में जो है भूमि दी है और उसके बाद उस व्यक्ति को उस भूमि पर भूमि स्वामी के अधिकार दे दिए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर वह व्यक्ति अपनी भूमि को विक्रय करना चाहता है या अंतरित करना चाहता है तो कलेक्टर की परमिशन के जो है बगैर वो उसको नहीं कर सकेगा या फिर कलेक्टर के समतुल्य कोई अधिकारी है उससे परमिशन जो है उसको लेनी होगी तभी उसका अंतरण हो सकेगा। तो यहां पर ये प्रावधान है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 8 ये प्रावधान करती है कि अगर कोई कृषक जो है भूमि स्वामी जो है कोई कृषक उधार अधिनियम के अंतर्गत या भूमि विकास उधार अधिनियम के अंतर्गत कोई जो है अग्रिम ले लेता है कुछ एडवांस वगैरह लेता है कृषि प्रयोजनों के लिए तो उस एडवांस की वसूली में अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके अंतर्गत जो है इस सेक्शन में जो प्रोविजन निर्बंधन लगाए गए हैं वह वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब कि ऐसे धनराशि की वसूली के लिए जो है कार्रवाइयां की जा सकेंगी उसका विक्रय वगैरह किया जा सकेगा। तो यहां पर सबसेक्शन 8 में ये प्रावधान है। अब इसके बाद जो सबसेक्शन 9 है सबसेक्शन 9A 9B यह हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन इसके बाद जो सबसेक्शन 10 है ध्यान दीजिएगा सबसेक्शन 10 में यह प्रावधान किया गया है कि जो रजिस्ट्रार अधिकारी है, देखिए जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अंतरित करता है तो उसके दस्तावेजों को रजिस्टर्ड कराना होता है, तो यहां पर यह प्रावधान किया गया है कि धारा 165 के प्रावधानों के अगर उल्लंघन में कोई व्यक्ति अपनी भूमि को अंतरित कर रहा है और उसके बारे में रजिस्ट्रार अथॉरिटी को जानकारी है तो रजिस्ट्रार अथॉरिटी जो है ऐसे अंतरण का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी, उसका जो है रजिस्ट्रेशन ग्रहण स्वीकार नहीं। मित्रों सेक्शन 165 का जो सबसे लास्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 11
यह सेक्शन प्रावधान करता है कि एमपीएलआरसी के लागू होने के पहले अगर कोई अंतरण किया गया था और वह अंतरण उस समय विधिमान्य था, लेकिन इस संहिता के लागू होने के बाद वह अंतरण धारा 165 के वायलेशन में है, तो ऐसी कंडीशन में उस अंतरण को अविधिमान्य नहीं माना जाएगा, वह अंतरण विधिमान्य ही रहेगा। और इसी के साथ साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर कोई अंतरण इस संहिता के लागू होने के पहले अविधिमान्य था तो इस संहिता के लागू होने के बाद वह विधिमान्य नहीं हो जाएगा। तो यहां पर जो है ये सारे प्रावधान हमने देखे धारा 165 में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कारण है कि भाई इसमें प्रोविजंस इतने सारे हैं, सबसेक्शन इतने सारे हैं, और सबको जो है परीक्षा की दृष्टि से देखना जो है आवश्यक भी है। तो हमने उन सबको कवर करते हुए जो है सेक्शन 165 को यहां पर आज कंप्लीट किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो क्यों नहीं लगा यह कमेंट में हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम उस बात पर, उस जो है टॉपिक पर भी चर्चा कर पाएं, आपकी समस्या को जो है दूर कर पाएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी आप जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी जानकारी जो है आपको तुरंत मिल जाएगी और आप जो है उस वीडियो का लाभ ले सकेंगे। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होती है आपसे मुलाकात हमारे एमपीएलआरसी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।